बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ चने पुलाव की। ये सब्ज़ चने पुलाव बनना है। ये सब्ज़ मैंने चने ले लिए हैं आधा किलो और डेढ़ किलो चावल ले लिए हैं। एक प्याज ले लिया, इसे कट कर लिया। दो टमाटर ले लिए और 10-12 में ये सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन ले लिया। ये इनको ग्राइंड कर लेना है हमने। ये कढ़ाई पर डालते हैं। ये पहले मैं ये इसे कर लूँ मैं ग्राइंड, फिर मैं एक प्याली मैंने घी की डाल के इसे गर्म कर लिया और ये प्याज डाल दिए बीच। इसे गोल्डन ब्राउन करना है हमने। फिर मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँ। ये गोल्डन हो गए हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के और ढक्कन दे देना है कि कलर निकालना है इन प्याजों का। इसमें डाल 2 मिनट के लिए कवर दे देना है। हमें मसाले डाल दें। एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल, थोड़े से टुकड़े दालचीनी के, लेकिन थोड़ा सी जवतरी, थोड़ी सी जवतरी, और 1 टेबलस्पून मैंने जीरे का डाल दिया और 1 टेबलस्पून ही नमक का डाल दिया है, और दरा मिर्च 1/2 टीस्पून डाल दिया। और इसके साथ ही मैंने ये डाल देना है जो टमाटर सब्ज मिर्च। इसी तरह हल कर लिया। अब 1/2 टीस्पून मैंने डालने लगी हल्दी। मुझे इन चावलों में हल्दी बहुत पसंद है, वैसे नहीं चावलों में हल्दी डलती। अच्छी तरह मसाला भून लेना है। इसी मसाले के साथ ही मैंने चने भी डाल देने के, चने भी अच्छी तरह ना चनों की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और लेमन जूस निकाल के इसके छिलके ऐसे ही साथ ही डाल देने हैं। अच्छी तरह जूस निकालना है और ये कट करके डालने हैं छिलके ना। 2 लेमन जूस ले लेने हैं, उनका जूस निकालना है। आजकल बहुत माशाल्लाह से बड़े बड़े लेमन आए हैं और जूसी आए हैं। दो से 3 मिनट में इसे भून लूँ अच्छी तरह, फिर चावल डालते हैं। ये 5 मिनट हो गए मुझे चनों को भूनते हुए। अब पानी डाल देना है इसमें। ये ग्लास मैंने 3 ग्लास लिए, आधा किलो के 6 ग्लास पानी के डालने हैं। दो चार पाँच छ ग्लास डाल दिए। अब इसे उबाल आते हैं, फिर चावल डालते हैं। इसे उबाल आ गया पानी को। अब ये लेमन के छिलके डाल देने हैं और साथ ही चावल डाल देने। बिस्मिल्लाह। अब इसे 10 मिनट के लिए कवर दे के रख देना है। 10 मिनट में पानी खुश्क होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 10 मिनट हो गए, पानी खुश्क हो गया है। और इसे 15 मिनट के लिए अपना दम से लगा देना है। 15 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ मैं दम खोल के। 15 मिनट हो गए इसे दम लगाए हुए को। देखिए दम अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। चना पुलाव तैयार हो गया। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।